हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर BA LLB एंट्रेंस एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं? देखो यार, सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन तो उन टॉपिक्स में से आएंगे, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें से बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं हैवी वेटेज टॉपिक्स होते हैं, जिनको आपको किसी भी तरह कर जाना है। आपको बिल्कुल भी इनको ड्रॉप नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए सिलेबस सारा ही करके जाना है, बट ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट बाय नहीं करे हैं तो मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपडेटेड ऑफिशियल पैटर्न पूरा फॉलो किया गया, अपडेटेड करंट अफेयर्स भी आपको इसमें मिल जाती हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको पूरा सिलेबस देखना है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना चाहिए, ठीक है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, एनालाइज करना है, ये वीडियोज़ चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं JNK यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जो मैंने बनाई है, उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो आप हमें वेबसाइट हमारी loggery.in है जहाँ पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक ये है और इंस्टाग्राम का ये है, यहाँ पर भी आप हमें ज़रूर फॉलो करें। अब देखिए, यहाँ पर अगर पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें तो 60 क्वेश्चन आते हैं, 1 question इज इक्वल टू 60 marks, MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जनरल नॉलेज जो है 40 marks की है, जिसमें से 10 करंट अफेयर्स को ये 5 बोलते हैं। बट अगर हम PYQ उसको एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉलो कर लेते हैं कि इंग्लिश के 5, लॉजिकल के 5, लीगल के 10। बट हम ये देखते हैं कि जो ये जनरल नॉलेज वाली है, ये थोड़ा ऊपर नीचे ये लोग कर जाते हैं, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो अगर अभी तक मैंने नहीं किया तो कमेंट करके मुझे याद दिला देना, नहीं तो हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें एंड मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस ज़रूर करें सो दैट आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है मार्क्स ना खा जाए, राइट। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखा गया है कभी कभी 10 to 20 क्वेश्चंस तक भी आ जाते हैं। मतलब ये लोग भूल जाते हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना, तो 10 to 20 क्वेश्चंस भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आ जाते हैं। हिस्ट्री में से 4 to 5 क्वेश्चंस तक देखे गए हैं कि आ जाते हैं। ज्योग्राफी में 4 to 5 क्वेश्चंस, साइंस से 4 to 5 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स में से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। बिल्कुल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी नहीं फॉलो होती है, तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो Jan to June के जो हमारे loggery.in पर वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, जिसमें 7 to 8 hours में आपको 1 full month कवर करवा लेते हैं। आप 1 महीने के बाय करके देखो, फिर आप नेक्स्ट महीनों के बाय करना, बहुत ही बढ़िया है फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं जहाँ पर मैं आपको क्लास लेकर 7 to 8 hours में सारी करंट अफेयर्स करवा देती हूँ वीडियो लेक्चर्स में, और आपको रिविजन के लिए डिजी नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप बाय कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में से 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर आपने यूनिवर्सल्स की बुक बाय करी है तो यूनिवर्सल्स में से करिए, अगर यूनिवर्सल्स की बाय नहीं करी है ल्यूसेंस में से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। एंड क्वेश्चंस जो है अरिहंत के MCQs की बुक आती है, या कोई भी MCQs की बुक में से क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। सिमिलरली फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, यहाँ पे जो लेवल ऑफ करंट जो आपकी स्टैटिक GK है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिर अगर यूनिवर्सल्स में से कर लोगे सही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस जो है अगर आप ल्यूसेंस में से पढ़ लो और अरिहंत में से MCQs लगा लो, तब आप बहुत अच्छे से पेपर में करके आओगे। लेवल थोड़ा हाई है स्टैटिक GK का। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड वैसे जो टॉपिक्स है वो ये है, इनकी बुक्स कौन सी यूज करनी है, कहाँ से पढ़ना है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्लिक करके चेक कर लीजिए। एंड ऑल्सो गाइज, हाउ टू अटेम्प्ट और एनालाइज वाली वीडियो जरूर देखना। अटेम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करना है वो वीडियो देख करके उसको अप्लाई जरूर करना मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।